हे गाइस, आई एम सेपेटिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हो सारे? आई होप हम सब बढ़िया हो। गाइस, आज के वीडियो में मैं कुछ एडिटिंग करके नहीं सिखाऊंगा आपको, मैं सिखाऊंगा कि मैं अपने वीडियो में, आप किसी भी यूट्यूबर को आप देखते होंगे कि सब्सक्राइबर का जो बटन होता है तो उसको अपने वीडियो में यूज़ करते, जैसे कि आपको यहाँ पर शो करता हुआ मैं अपने वीडियो में यूज़ करता हूँ। तो गाइस, इस तरह का लोगो और अपने चैनल के लोगो और नाम के साथ सब्सक्राइब बटन नीचे से आता है, तो उसको किस तरीके से बना सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपकी आपके लिए। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, और मेरे चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले गाइस, इस वीडियो में जो सब्सक्राइब बटन का जो टेम्पलेट यूज़ करूँगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर सिंपली डाउनलोड कर लेना। और आपको सिंपली चलना काइनमास्टर में, काइनमास्टर में क्लिक करके आपको सिखाऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको काइनमास्टर ओपन कर लेना है और यहाँ से प्लस वाले आइकन पर और यहाँ से 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो लेकर के आ जाना है। और सिंपली आपको यहाँ ये इसका होम टैब ओपन हो जाएगा और आपको सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ चलना मीडिया ब्राउज़र में और जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसे सिंपली यहाँ पर लेकर के आना है, जो सब्सक्राइब बटन का टेम्पलेट का वीडियो होगा। तो गाइज, मैं सिंपली लेकर के आ जाता हूँ। ओके, तो गाइज यहाँ पर मैं ओपन इसे कर चुका हूँ इस काइन मास्टर में। और सिंपली आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये नीचे से ऊपर आएगा वहाँ पर आपको लेकर के आना है और यहाँ से सिंपली चलना है लेयर वाले आइकन पर और यहाँ से चलना है टेक्स्ट पर। टेक्स्ट पर जाने के बाद आप अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं। मैं सिंपली अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ। तो गाइज, आप अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर सिंपली मैं लिख चुका हूँ। लिखने के बाद इसे इस तरीके से लेकर के आना है यहाँ पर और हल्का सा जूम करना है और अपने हिसाब से इसे बीच में सेट कर देना है। यहाँ से चलना फॉन्ट में और किसी भी तरह का यहाँ बोल्ट वाला फॉन्ट आपको मिलेगा, रोबोटो फोल्ड बोल्ड वाला, इस पर लेकर आना है। और आपको चलना है कलर वाले आइकन पर, आप यहाँ से किसी भी तरह का कलर चूज़ कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ से पर्पल चूज़ कर चुका हूँ और सिंपली नीचे जाना है और यहाँ से इसका एक ऑप्शन मिलेगा आपको शेडो का, इसे ऑफ कर देना है ताकि ये ज़्यादा हाईलाइट हो जाए। ओके गाइज, सिंपली यहाँ से डन कर देना है और फिर से चलना है इस टेक्स्ट पर और यहाँ से इन एनिमेशन में जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा स्लाइड अप, इस पर टाइप करना है और इसका टाइमिंग 1 सेकंड ही रहने देना। फिर बैक चलेंगे और यहाँ एक ऑप्शन है आउट एनिमेशन का, इस पर टाइप करना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्लाइड डाउन, इस पर टाइप करके सिंपली डन कर देना है और इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है ये जो टेक्स्ट है और इसे इस तरीके से शुरू में कर देना है। ओके गाइज, और यहाँ पर वीडियो का साइज उतना ही रहने दे रहे गाइज। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से चलना है लेयर वाले आइकन पर और यहाँ से चलना है मीडिया में और अपने चैनल के लोगों को यहाँ पर से लेकर के आना है। मैं सिंपली लेकर के आ जाता हूँ। ओके, तो गाइज यहाँ पर मैं लेकर के आ चुका हूँ अपने लोगों को और इसे इस तरीके से साइज छोटा करना है और इसे इस तरीके से यहाँ पर सेट कर देना है। आप अपने हिसाब से अपने लोगों को, अपने चैनल के लोगों को इस तरीके से यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर लगभग हो चुका है, सिंपली यहाँ डन कर दे रहा है। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये हो चुका है, ये थोड़ा कट रहा है। ओके गाइस, सिंपली इस पर टाइप करना है और इन एनिमेशन में जाना है और यहाँ से आप तो वही वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ये स्लाइड अप वाला ऑप्शन चूज़ करना है, सिंपली बैक करना है और आउट एनिमेशन में जाना है और स्लाइड डाउन का ऑप्शन चूज करते हुए डन कर देना है और इस लोगो पर लॉन्ग प्रेस करना है और सीधे से आगे लेकर के आ जाना है। ओके गाइस, इस वीडियो पर टाइप करना है और लास्ट जाना है और जो नीचे टेक्स्ट वाला आइकन है उस पर टाइप करना है, सीजर में जाना है और ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट करके काट देना है और नीचे जाना है, ये लोगो पर टाइप करना है और सीजर पर जाना है और ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट करके काट देना है। सिंपली आपका यहाँ पर लोगो बनकर रेडी हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस, इसमें साउंड आपको अलग से ही मिल जाएगा, इसमें मौजूद रहेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, गियर पर जाना है और यहाँ से ऑडियो फेड आउट को बंद कर देना है, ये आपका ऑन रहेगा, इसे बंद कर देना है। तो ऐसे क्या होगा कि आपका लास्ट में साउंड कम नहीं होगा। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे सेव करने के लिए शेयर पर क्लिक करना है, 720p और 30 का फ्रेम रेट लेते हुए वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। तो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को फटाफट लाइक करना और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।